ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 अंतिम श्लोक श्लोक संख्या 55। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में 5 बातें कही गई हैं। इन बातों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं। पहला भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरा संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्मकृत, मत परमः और मत भक्तः, ये 3 बातें हैं। और दूसरे विभाग में संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मत कर्मकृत अर्थात जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्मकृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं। ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, योग्यता करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है, यही उसका मत कर्मकृत है। मत परमः जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है अर्थात जिसका परम प्रापणीय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त पद मत परमः है। मत भक्तः जो केवल मेरा ही भक्त है अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है और मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं, ऐसा भाव रखने वाला मद्भक्त है। संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः, केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपर्युक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगवर्जितः हो जाता है अर्थात उसकी संसार में आसक्ति ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान का ही मर्जी है और कृपा है ऐसा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य है उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बताने में है।
संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध भगवान की परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। विशेष बात, श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैव मात्मानः मत परायणः। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की सब बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीव ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास दो शक्तियाँ हैं, पहला चिंतन करने की और दूसरा देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा है। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य, अविनाशी, विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियाँ हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही यह संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और उसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए दो बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूँ। तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु भी दिए। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरे किसी भी जगह खर्च नहीं करना चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही हो और जिस किसी को देखे तो वो परमात्मा स्वरूप ही देखे। तद सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिवशस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैका दशो अध्यायः। इस प्रकार ओम सत सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन ने भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए थे उसके वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। अतः 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।